आज हम सीनियर सिटीजन्स की ओरल हेल्थ से जुड़े कुछ कॉमन मिथ्स को बस्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मिथ वन, ओरल हेल्थ का ओवरऑल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। पुअर ओरल हेल्थ का लिंक सीरियस कंडीशन जैसे हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ से है। अपने मुंह का ध्यान रखना आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर टू, डेंचर हमेशा चलते हैं। डेंचर्स हर 5-7 साल में रिप्लेस करना ज़रूरी है। आपका मुंह टाइम के साथ बदलता है और बेहतर फिटिंग ना होने पर डेंचर से तकलीफ और दूसरी ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर थ्री, सीनियर्स को कैविटी की चिंता नहीं करनी चाहिए। सीनियर्स को एक्चुअली ज़्यादा कैविटीज़ का रिस्क होता है, स्पेशली ओल्ड फिलिंग्स और दांतों के रूट्स के आसपास। ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और रेगुलर डेंटल विजिट्स बहुत ज़रूरी हैं। मिथ नंबर चार, ड्राई माउथ सिर्फ एक छोटी सी परेशानी है। ड्राई माउथ से टूथ डिके और गम डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। ये अक्सर मेडिकेशंस की वजह से होता है, तो अपने डेंटिस्ट से सॉल्यूशंस के बारे में बात करें। मिथ नंबर पाँच, दांत निकलवाने से आई साइट पर फर्क पड़ जाता है। आईज़ और टीथ की नर्व्स अलग होती हैं, इसलिए ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं होता है। याद रखिए, किसी भी उम्र में अच्छी ओरल हेल्थ मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आपको कोई चिंता है तो अपने डेंटिस्ट से ज़रूर बात करें। हेल्दी रहिए और मुस्कुराते रहिए।